वो कौन से फरिश्ते थे जो लूसीफर के साथ आसमान से गिरा दिए गए थे क्यों जब दाऊद साउल के सामने बर्बत बजाता -बर था तो बुरी रूह से आजाद हो जाता था क्यों जब अलीशा ने पशीन गोई करनी थी तो उसने बर्बत -बर बजाने वाले को बुलाया क्यों खुदा दाऊद से इतना प्यार करते थे नबी की किताब उसके चौरवे बाब की उसकी बारवी आयत में लिखा है ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया यह सुबह का रोशन सितारा लूसीफर था यह हिस्के की किताब उसके अट्ठाईसवें बाब और उसकी चौदवी आयत हमें इस तरह से बताती है जो साया अफगन था और मैंने तुझे खुदा के कोय मकदस पर कायम किया तो वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था इसी बाब में मरकूम है कि जब लूसीफर को बनाया गया तो दफ बांसुरी और मधुर साज उसके अंदर बनाए लूसीफर आसमान पर लीडर था और वो खुदा की हजूरी में रहता था और आतशी पत्थरों पर चला फिर करता था और ये दूसरे फरिश्तों को खुदा की हमदोसना करने में रहनुमाई करता था अगर आप उस वक्त का सबर करें जब इस दुनिया को बनाया जा रहा था तो अयूब नबी की किताब उसके अड़तीसवें बाब में इस तरह से मरकूम है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे लुका दस बाब और उसकी अठारह आयत में इस तरह से लिखा है उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था फिर इसी तरह से मुकाशवा बारह बाब में उसकी सातवीं और आठवीं और नौवीं में इस तरह से लिखा है फिर आसमान पर लड़ाई हुई मेकायल और उसके फरिश्ते अजहा से लड़ने को निकले और अजहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजहा या नहीं वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए जब वो लूसीफर जमीन पर गिरा दिया गया तो आसमान से एक तहाई फरिश्ते उसके साथ गिरे क्या आप जानते हैं कि एक तहाई फरिश्ते लूसीफर के साथ जुड़े थे एक तहाई मकाइल और एक तहाई जिब्राइल के साथ जुड़े थे और जब लूसीफर गिरा तो वह अपने साथ एक तहाई फरिश्तों को भी साथ लेकर गिरा और वह जिन फरिश्तों को साथ लेकर गिरा वो सब वर्षी पर थे इसलिए जमीन पर संगीत गाना बजाना बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है सेक्स रॉक एंड रोल ड्रग्स शराब नशे सब संगीत से जुड़े हैं अगर आप गाने बजाने वालों को देखें तो वो सब किसी ना किसी नशे में या जुए में या बुरी सोहबत में आपको मिलेंगे क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने इस जमीन पर संगीत को खराब किया मिकायल के पास जंग करने वाले फरिश्ते हैं जिब्राइल के पास खिदमत करने वाले फरिश्ते हैं और लूसीफर के पास वो फरिश्ते हैं जो खुदा की प्रस्तृष करते थे और जब लूसीफर गिरा तो मैं बाइबल मुकदस में से ये साबित करूँगा कि आसमान यानी जन्नत ने अपने संगीत को खो दिया आप सोच रहे होंगे कि फरिश्ते तो यस्सु मसीह की पैदाइश पर गीत गा रहे थे नहीं लुका दो बाब और उसकी तेरहवीं आयत में इस तरह से लिखा है और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह मकाशवा चार बाब और उसकी आठ आयत में लिखा है और इन चारों जानदारों के छे छे पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बग़ैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदा खुदा काद मतलब जो था और जो है और जो आने वाला है और मुकाशफा पांच पाप और उसकी ग्यारहवीं आयत में लिखा है और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि जबा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है इसी तरह से मुकाशवा साहवीं आयत में लिखा है और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिरद खड़े हैं फिर वो तख्त के आगे मुंह के बाल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन हमद और तमजीद और हमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो आमीन प्रस्तिश आसमान पर भी होती है और प्रस्तिश ज़मीन पर भी होती है प्रस्तिश आपके अल्फाज होते हैं जैसे कि हेले खुदा का नाम मुबारक हो ए खुदा हम तेरी इज्जत करते हैं तू तो ही जलाल और हशमत के लायक है पर लूसीफर जब एक तहाई हिस्सा प्रस्तृष करने वालों का लेकर गिर गया तो आसमान ने अपने साधों के साथ गीत खो दिया दाऊद से पहले गीत तभी गाया गया जब इसराइलियों ने बहर कुलजम को पार किया और जब मुस्सा ने अपने मरने से पहले इसराइलियों को बरकत देने के लिए गीत गाया गुजरे वक्तों में चर्च में संगीत ना के बराबर था संगीत तभी शुरू हुआ जब दाऊद आया और जब वो बर्बर बजाता -बर था तो ऐसा बर्बर बजाता -बर था कि बादशाह साऊल बुरी रूह से आज़ाद हो जाता था क्या आप जानते हैं कि शरीयत के मुताबिक जब दाऊद ने बदसभा के साथ गुनाह किया तो उसे पत्थरों से मार देना चाहिए था जब उसने उरिया को मरवाया तब भी शरीय के मुताबिक दाऊद को पत्थरों से मार देना चाहिए था अगर आप गौर करें तो दाऊद ने जब अपने इन गुनाहों से माफ़ी मांगी तो उसने सिर्फ बोलकर माफ़ी नहीं मांगी उसने गीत गाकर माफ़ी मांगी जब आप गाते हैं तो आप खुदाद मतलब के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं खुदावन दाऊद से इतना प्यार इसलिए करते थे क्योंकि दाऊद ने उस चीज़ को बहाल किया जो आसमान गवा चुका था उसने गीत गाने वालों को तैयार किया गीतों को लिखा साज बजाने वालों को चुना संगीत को बनाया और यही वो सब कुछ था जो खुदा के पास ऊपर आसमान में नहीं था आप हैरान होंगे ये सुनकर कि जब खुदा ने संगीत सुनना होता है तो वो जमीन की तरफ देखते हैं तो जब खुदा गीत सुनना चाहता है तो वो फरिश्तों को नहीं देखता जो सिर्फ बोल रहे होते हैं कदूस कदोस कदूस, कदूस। वो जमीन की तरफ देखता है जो लोग गा रहे होते हैं। जब अलीशा ने पेशन गोई करनी थी तो उसने एक बजाने वाले को बुलवाया और जब संगीत बजने लगा तो खुदावन का जलाल अलीशा के ऊपर आया शैतान चर्च के संगीत से नफरत करता है और इसीलिए सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना चर्चिस को संगीत में ही करना पड़ता है आपके गीत में ही मसा है किसी भी हालात के चलते हुए आप अपने आप को खुदाउंद के लिए गाने से कभी ना रोकें खुदाउंद आपको बरकत दे